Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty. और ये है मेरे regular classes की timing जो कि YouTube और Testbook app पे होती है. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Testbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET SET JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स. लर्नर्स, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. आपको क्लासेस के टाइमिंग, लिंक्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जून का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यूजीसी नेट का, वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेपर पेन मोड में होगा. तो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, व्हाट आर द थिंग्स विच शुड डू एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुडन डू, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक छोटा सा सेशन हमने प्लान किया जो आई बिलीव आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए यूजफुल होगा. सो लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम CBT मोड में एग्ज़ाम देते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड में एग्ज़ाम देते थे, तो बहुत लिमिटेड हमारे सेंटर्स हुआ करते थे. बिकॉज जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी दिन चलता था, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होता था, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता था. बट इस बार एक डेट डिसाइड हुई है अभी तक, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है या नहीं होता है, ऑल दो इट्स अ वर्किंग डे और स्पेक्यूलेशंस हैं कि हो सकता है उस डेट को नियरेस्ट संडे को पोस्टपोन कर दिया जाए. रीज़न बीइंग कि इस बार नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर होंगे. तो आप जब भी आपका जो भी एडमिट कार्ड जब रिलीज होता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर को आपने अच्छे से समझ लेना है. सो अब वो लिमिटेड सेंटर्स नहीं रहेंगे. चांसेस यही है कि स्कूल्स वगैरह में जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, OMR बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उसी तरह से NTA ने इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करने की बात सोची है. तो आपको अपना एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, क्योंकि आपको जो OMR शीट को फिल करना है अकॉर्डिंगली, ID डॉक्यूमेंट, ये सब आपको लेके उस डेस्टिनेशन पर जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे आपको समय से पहले पहुँच जाना है. सो जनरल एडवाइजरी रहती है कि अगर आपने वो सेंटर नहीं देखा है तो एक दिन पहले जाके देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम वाले दिन किसी तरह का कमोशन ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो. सो जो भी डिस्टेंस है आपके घर से या जो भी जिस डिस्टेंस को आपको कवर करना है, जिस भी व्हीकल से कवर करना है, आपको एक आइडिया होना चाहिए. नाउ इफ यू हैव अ लुक कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आंसर करने हैं, तो लर्नर्स जो हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन थी जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते थे कि स्क्रीन पे बहुत फोकस करना पड़ता था और स्क्रीन को स्क्रॉल करना डिफिकल्ट हो जाता था, कई बार स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती थी, तो वो यहाँ हमें नहीं होगी. बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन द सेम एंड द टाइम रिमेन्स द सेम. डिफरेंस यहाँ पे जो थोड़ा सा निकल के आया है वो है द टाइम जितने में आप एक क्लिक करते हैं और द टाइम जितने में आप एक OMR शीट के सर्कल को कलर करते हैं. राइट, इट माइट टेक लिटिल मोर टाइम जब आप OMR शीट को कलर करते हैं, क्योंकि ये सर्कल अगर अच्छे तरीके से कलर नहीं होगा तो इसे एग्जाम में मार्किंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में एक की जगह दूसरे पर भी डॉट या मार्किंग कर देते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. तो ये जो आपके पास 180 मिनट रहेंगे एग्जाम में दोनों पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, इसका आपको बहुत ज्यूडिशियसली, कहा जाता है ना, बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है. इसके लिए एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि वहां पूरा आपको फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, अलर्टनेस की जरूरत होगी. साथ ही साथ लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए क्वालिफाई करता है. दैट मींस आप ज्यादातर देखते होंगे कि कोई एग्जाम क्लियर किया और नौकरी लग गई, मगर यहां पे एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको या तो पढ़ाना होता है या रिसर्च अंडरटेक करनी होती है. तो दोनों ही फील्ड्स ऐसी है जिसमें काफ़ी हाई लेवल इज रिक्वायर्ड. तो कीपिंग दैट इन माइंड, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन अपीयर करते समय, क्वेश्चंस पढ़ते समय भी अपना वो हायर ऑर्डर एस्पेक्ट को अलर्ट करके रखना है और बहुत एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच लेके चलनी है. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस सिंपल हो, इजी हो, जल्दी बन जाएं, उसे जल्दी बना लीजिए ताकि आपके पास समय बचे जो थोड़े रिलेटिवली आपके लिए टफ या कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स हों
उसे आप कवर कर सके। नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द चेंज विच इज़ देयर, जो कि आप लोग के लिए जो भी यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा, वो है ओएमआर शीट का। जैसे कि आपने बहुत वीडियोस में भी देखा है, इसे फिल सही तरीके से फिल करना बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल फिलिंग नहीं होनी चाहिए। इसको मार्क करने का तरीका होता है, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद ओएमआर शीट को एक साथ फिल कर देते हैं। इसमें कभी कभी नंबरिंग में ऊपर नीचे होने के भी चांसेस रहते हैं। सो माय एडवाइस टू यू विल बी, आप 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद साथ ही साथ ओएमआर शीट्स फिल करते रहें। आखिरी मोमेंट जो रहता है वो बहुत पैनिक का रहेगा और यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। सो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है और ये ध्यान आपको पहले मिनट से रखना है कि आपको हर एक मिनट बहुत सही तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको कोई भी पैनिक करने वाली सिचुएशन में नहीं डालना चाहती हूँ। सो ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट ना होने दें और शुरुआत से ही थोड़ा अलर्ट और टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए ही आगे बढ़ें। तो जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से या तो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करके बाद में ओएमआर शीट को आप मार्क कर लीजिए, या साथ साथ आप उसे मार्क करते हुए, जैसे मैंने कहा बेस्ट टेक्निक ये होती है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, ताकि आपको एक आइडिया भी रहे, कॉन्फिडेंस भी रहे कि जितने आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उतने आपके ओएमआर में भी फिल हो गए हैं। एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपके पेपर में सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी, आप इनिशियल की ज़रूरत होगी, इन्वेजिलेटर की सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, जो कि ऑफकोर्स जो भी सेंटर के लोग होंगे वो इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी 15 मिनट पहले कम से कम कोशिश कीजिए कि आप अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर दें, सो दैट लास्ट मिनट का जो पैनिक होता है, लास्ट मिनट की जो रश होती है उसको आप अवॉइड कर सकें। क्योंकि CBT एग्ज़ाम में होता था आपने क्लिक किया और स्क्रीन से वो गायब, राइट, जो स्टेप्यूलेटेड टाइम रहता था वहाँ तक आपका, उसके बाद आप उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इट विल बी फिजिकल कलेक्शन ऑफ ओएमआर शीट, यहाँ पे आपके पास जो वहाँ इन्वेजिलेटर्स होंगे वो आपसे कलेक्ट करेंगे, तो वो एक तरह का लास्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है, वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। और उस समय अगर आपके आंसर किए हुए शीट्स को ओएमआर में आप फिल करने में कोई गलती हो गई तो सही हुए आंसर्स भी गलत हो जाएंगे, तो इस चीज़ का रिस्क ना ले। सो माई द थम रूल विच यू शुड फॉलो फॉर अपकमिंग जून एग्जाम, जो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, पहली बात समय पर अपना पेपर शुरू कर दीजिए और हर एक मोमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ये 3 घंटे में कोई भी समय वेस्ट मत कीजिए जिसके लिए आपको अनदर 6 मंथ्स फिर तैयारी करनी पड़े। जो आपने अभी तक तैयारी की है, साल भर की है, 6 महीने की है, उसको एक जस्टिफाइड अटेम्प्ट ज़रूर दीजिए। ओएमआर शीट को आखिरी मोमेंट में फिल करने के लिए मत छोड़िए, साथ साथ फिल करते रहिए और एग्ज़ाम से पहले अभी कम कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले ओएमआर शीट फिल करने का, खास करके वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑफ लेट अगर रिसेंटली कोई एग्ज़ाम इस तरह का नहीं दिया है और उनका बिल्कुल टच छूटा हुआ है, क्योंकि लगता बहुत सिंपल है बट इसको भी फिर सही तरीके से फिल करना बहुत ज़रूरी है टू गेट दैट मार्क, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू स्टे काम एंड यू हैव टू चेक द इंटायर ओएमआर शीट बिफोर सबमिटिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हड़बड़ी में हम नंबर्स भी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। आप स्मॉल बैचेस में कीजिए और साथ साथ उसे चेक भी करते रहिए। तो एक्चुअली आपको जब ये एग्ज़ाम देने आप बैठेगा थोड़ा मल्टीटास्किंग करना है, थोड़ा अलर्ट रहना है और कहा जाए ना अपना एकदम हाईएस्ट ऑर्डर का आपको अलर्टनेस यूज़ करके इस पेपर को बनाना है और ये चेक कर देना है कि कोई भी ऑप्शन उसमें से मिस ना हो। लर्नर्स अलॉन्ग विथ आर सफलता की प्रेरणा सेल इज गोइंग ऑन एंड दिस सेल इज टिल 31st of May। हियर यू कैन अवेल आर कोर्सेज एट अ डीप डिस्काउंटेड प्राइस। ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो कि दिसंबर की बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं, सो इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी टिल दिसंबर 2024 एग्जाम। साथ ही साथ यू गेट फ्री पास प्रो इन दिस कोर्स एंड यू कैन अवेल एडिशनल डिस्काउंट बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो हमारे फाउंडेशन कोर्स में लर्नर्स हम पेपर 1 और ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 को कवर करते हैं। ये सारी क्लासेस होती हैं लाइव और बायोलिंगुअल और ये सारी चीज़ें जो हम तैयारी आपकी करा रहे पेपर्स की, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं और गाइडेंस सेशंस के साथ हम ये सारी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। सो लर्नर्स ट्राई टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम्स एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल,
God bless you all. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. I'll see you in the next class. Bye-bye.